देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर। नमस्कार, मैं हूं यशी शुक्ला, स्वागत है आपका HBN न्यूज में। खबरों में विस्तार में जाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा और पासवान के बीच आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की सीटों का बंटवारा। भाजपा का बिहार में अपनी सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे पर समझौता। रामविलास पासवान एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे सूत्रों के मुताबिक। पुलवामा के त्राल में जारी एनकाउंटर में सुरक्षा बलों के 6 आतंकवादियों को मार गिराया। अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल के तेवर ढीले नहीं हुए। भाजपा और पासवान के बीच आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की सीटों का बंटवारा हो चुका है, जिस पर कई दौर की बातचीत के बाद पार्टियों में लगभग सहमति बन चुकी है। बिहार में 5 सीटों पर राजी हुई रामविलास पासवान, 17-17 सीटों के फॉर्मूले पर बिहार में चुनाव लड़ेगी भाजपा। मुकेश सहनी को मुजफ्फरनगर को चुनाव लड़ा सकती है भाजपा। भाजपा और पासवान के बीच आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की सीटों का बंटवारा हो चुका है, जिस पर कई दौर की बातचीत के बाद पार्टियों में लगभग सहमति बन चुकी है। आज दिल्ली में नीतीश कुमार, अमित शाह और रामविलास पासवान इसको लेकर एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, मगर पेंच एक सीट पर फंसा हुआ है। माना जा रहा है कि यह सीट भाजपा मुकेश सहनी को दे सकती है। सहनी खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं और वह बॉलीवुड फिल्मों के सेट डिजाइनर हैं। सीट की संख्या की बात करें तो केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और उनके बेटे चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को बिहार लोकसभा की 40 में से 5 सीटें मिली हैं। पार्टी एक सीट उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड में चाहती है। वहीं रामविलास, जो कि वर्तमान में लोकसभा सांसद हैं, उन्हें एक राज्यसभा सीट दी जाएगी। इससे पहले भाजपा लोजपा ने 7 सीटों की मांग की थी, जिस पर उन्हें 2014 में चुनाव लड़ा था, लेकिन भाजपा और जनता दल यूनाइटेड अपने पूर्व के फैसले के अनुसार 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ने के अपने फॉर्मूले पर काबिज हैं। भाजपा का बिहार में अपने सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे पर समझौता हो गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है भाजपा। यूपी या झारखंड में लोकसभा की एक सीट दी जाएगी। रामविलास पासवान राज्यसभा जाएंगे। भाजपा का बिहार में अपने सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे पर समझौता हो गया है। राज्य में लोजपा के 5 लोकसभा सीटों पर यूपी या झारखंड में 1 लोकसभा सीट का चुनाव लड़ने की उम्मीद है। वहीं पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजा जा सकता है। उच्च पदस्थ सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस आशय की घोषणा आज की जा सकती है। रामविलास पासवान एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे सूत्रों के मुताबिक। संसद परिसर में आज हुई बैठक में बिहार में सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है। रामविलास पासवान एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे सूत्रों के मुताबिक। संसद परिवार में आज हुई बैठक में बिहार में सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है। हालांकि फिलहाल इसकी पुष्ट जानकारी बाहर नहीं आई है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी और जेडीयू को 17-17 सीटें तथा एलजेपी को 6 सीटें दी जाएंगी। वहीं खबर यह भी है कि एलजेपी को बीजेपी के कोटे से राज्यसभा की एक सीट भी दी जाएगी। बता दें कि रामविलास पासवान, पशुपति कुमार, चिराग पासवान और रामचंद्र पासवान की शुक्रवार सुबह अरुण जेटली के साथ मुलाकात हुई। संसद भवन में हुई इस बैठक में बिहार भाजपा प्रभारी भूपेंद्र यादव और बिहार भाजपा अध्यक्ष नित्यानंद राय भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलवामा के त्राल में जारी एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 6 आतंकवादियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलवामा के त्राल में जारी एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 6 आतंकवादियों को मार गिराया है। इतना ही नहीं, सुरक्षा बलों ने भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए हैं। हालांकि अब ऑपरेशन समाप्त हो गया है। बताया जा रहा है कि एनकाउंटर में जम्मू कश्मीर का मोस्ट वॉन्टेड आतंकवादी जाकिर मूसा का एक सहयोगी भी मारा गया है। सुरक्षा बलों ने साउथ कश्मीर जिले के अवंतीपुरा इलाके में आरामपुरा गाँव में एनकाउंटर अभियान शुरू किया था। दरअसल सुरक्षा बलों को इस इलाके में आतंकियों के छुपे होने की इनपुट मिली थी। अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल के तेवर ढीले नहीं हुए हैं। उनकी दिल्ली की अदालत में अर्जी देकर जेल में अपने लिए अलग कोठरी देने की मांग कही है। अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल के तेवर ढीले नहीं हुए हैं। उसने दिल्ली की अदालत में अर्जी देकर जेल में अपने लिए अलग कोठरी देने की मांग की है। मिशेल तिहाड़ जेल में बंद है। मिशेल ने शुक्रवार को दिल्ली की अदालत में अर्जी देकर जेल में अलग कोठरी में रख जाने का अनुरोध किया था।
मिशेल 28 दिसंबर तक सीबीआई की न्यायिक हिरासत में है। मिशेल की ओर से अधिवक्ता एलजो के जोसेफ और विष्णु शंकर ने यह आवेदन दिया, उसमें तिहाड़ जेल के अधीक्षक को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वह आरोपी क्रिश्चियन जेम्स मिशेल को अलग कोठरी आवंटित करें। मिशेल को 3600 करोड़ रुपए के सौदे के सिलसिले में संयुक्त अरब अमीरात में गिरफ्तार किया गया था और 4 दिसंबर को भारत लाया गया था। बुधवार को उसे 28 दिसंबर तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहिए एचपी न्यूज। आप देख रहे हैं HBN न्यूज़, जो सच वही खबर।